शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। आचार्य जी, लोग घर लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, तो मंदिर भी बनाते ही हैं। हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे भारत में इन चीजों को माना भी जाता है और उसका रिजल्ट देखा भी गया है। मंदिर के बारे में लोग थोड़े से कॉन्फ्यूज रहते हैं। कुछ लोग जैसे कह देते हैं कि भाई लक्ष्मी जी हैं तो वो दक्षिण दिशा में देखेंगी, ये हनुमान जी हैं तो दक्षिण दिशा में देखेंगे, ये शिव जी हैं तो उत्तर दिशा में देखेंगे, तो उसके हिसाब से लोग कभी कभी मंदिर भी बना लेते हैं। तो ये जो घर का जो हमारा छोटा सा जो मंदिर है, इसके बारे में आप पूरा हमारे सब्सक्राइबर को बताएं, वास्तु के हिसाब से भी, हमारे धर्म के हिसाब से भी, कि मंदिर किस दिशा में बनाए। और बाई चांस वो जो हनुमान जी का भी कुछ चक्कर रहता है कि भाई हनुमान जी को वहाँ पे, जैसे हम लोग बना लिए शानकुंड में, हनुमान जी भी स्थापित किए, लक्ष्मी जी भी स्थापित किए, कुबेर जी भी स्थापित किए, तो एक हमारे दिमाग में बैठा रहता है भाई कुबेर जी तो दक्षिण दिशा में देखना चाहिए, और हमने शानकुंड में बनाया तो बाकी इधर पूर्व पश्चिम का और डायरेक्शन बैठ जाता हमारा। तो उस विषय में बिल्कुल प्रकाश डालिए, और ये एक प्रश्न और भी रहेगा इसमें साथ में हमारा, जिसका आप जवाब दीजिएगा प्लीज। ऑफिस में भी सेम चीज इंप्लीमेंट हो गया या कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया? सी नमस्कार सी, जैसे वास्तु के हिसाब से हम पहले बात करते हैं। पहली बात तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर रूल की बात करें, जो शास्त्र हमारे बना है हजारों साल पहले, उस रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो मंदिर हमारे घर में होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बताया दो चीजें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, एक मंदिर और दूसरा टॉयलेट। ये दो चीज हमारे घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के जमाने में ये दोनों चीज जो है, जो बाहर होती थी वो चीज अंदर आ गई। अब अंदर तो आ गई, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, इसका कोई कैलकुलेशन प्रॉपरली हमने स्टडी नहीं किया और हम उसको स्थापित कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि यह मंदिर कहाँ पर रखना चाहिए, तो उसकी सही दिशा क्या है, पहली बात तो रूल के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और अगर रखना है तो मंदिर क्यों रखना चाहिए घर के अंदर, ये पहले मैं समझा देता हूं। मैंने अभी आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ये तीन जो दिशाएं हैं, वो सारी जो दिशाएं, वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं हमारे तरफ आती है। तो जब पॉजिटिव ऊर्जा हमारे तक आती है, तो हमें जो पॉजिटिव ऊर्जा लेनी है तो हम क्या करें, तो हमने किसी को बता दिया कि भाई आप एक काम करिए, आपके घर के अंदर ये जो तीन दिशा है उसमें से कोई भी एक दिशा सिलेक्ट करिए, वहां बैठ जाइए और वहां पे आप हाथ जोड़ के मेडिटेशन करिए, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। पहली बात तो उनको पता नहीं चलेगा कौन सी दिशा कहाँ पे है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो सही ऊर्जा वो ले नहीं पाते। तो हमने एक नया रास्ता यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया, वैसु शास्त्री जो भी है उन्होंने के एक दिशा बता दी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट के अंदर आप मंदिर रख सकते हैं। जब आपने अपने घर के अंदर या आपके कार्यस्थल के ऊपर आपने मंदिर रखा है उस सही दिशा में, तो क्या होगा, क्या आपको वहां पे दिया बत्ती करनी है, वहां पे हाथ जोड़ना है, तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपने वहां स्पेंड किया, तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको मिल सकती है। सो ये सबसे सही तरीका हमने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ सवाल ये आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, अगर ये दिशा हमारे घर के अंदर मंदिर लगाने के लिए नहीं है तो क्या करें, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूं वो पूरे वास्तु को कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब पूरा जो आपका वास्तु है जिसके अंदर पूरे 3 BHK आ गया, और उसकी नॉर्थ, उसका नॉर्थ ईस्ट या उसका ईस्ट हमें लेना है। अब वो चीज हमें बराबर से नहीं मिलती है, या तो दरवाजा आ गया नॉर्थ ईस्ट में तो हम मंदिर नहीं लगा सकते, या नॉर्थ में दरवाजा आ गया तो हम वहां पर मंदिर नहीं लगा पा रहे, हमारा बेडरूम आ गया तो मंदिर नहीं लगा पा रहे, हमारा किचन आ गया, या नॉर्थ ईस्ट में कई लोग तो टॉयलेट भी ले लेते हैं तो वो आ गया तो वहां पे तो सवाल ही नहीं होता,
तो करे क्या? तो हमने क्या बताया, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट में आपको मंदिर लगाना, चाहे आपके घर के पूरे वास्तु या तो वास्तु के अंदर के रूम के अंदर आप नॉर्थ ईस्ट पकड़ के लीजिए, या तीन दिशा में से कोई भी एक दिशा लीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि किचन के अंदर मंदिर लगाया हुआ है, तो किचन के अंदर मंदिर कैसे लग सकता है? बट इसका क्योंकि कहीं जगह नहीं मिल रही है, ये कॉमन जगह, तो हमने किचन के अंदर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या तो ईस्ट हमने पकड़ लिया और वहां पे हमने मंदिर लगा दिया। सो ये भी एक सरल तरीका है। कई बार बोलते हैं कि भाई दार्जिलिंग के अंदर मंदिर लग सकते कि नहीं। सी मैंने जो बताया, पूरे वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट अगर है, या नॉर्थ है या ईस्ट है, वहां पे हमें मंदिर लगाना है, और वहां पे आपका बेडरूम आ गया, तो आपने मंदिर लगाने की जगह के ऊपर बेडरूम बनाया हुआ है। आपके बेडरूम के अंदर मंदिर नहीं लगा रहे, सी समझने की बात है ये। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो ये आपकी सोच रहेगी कि हम बेडरूम के अंदर मंदिर लगाए कि नहीं लगाए, तो आप कहीं और रास्ता ढूंढ लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में मंदिर रखने की सुविधा क्यों बनाई गई, क्योंकि आपको मैक्सिमम वहां पर अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिले, इसीलिए ये दिशाएं सिलेक्ट कर गई है। और ये शास्त्र के हिसाब से मानिए, ये बाद में ये सुविधा के तौर पर हमने बनाई कि लोगों को मैक्सिमम पॉजिटिव ऊर्जा बन जाए, मिल जाए। सो नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं जनरल बात करूं, तो आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट जहां पे भी होगा, वहां पे अपने आसन लगा के, मंदिर नहीं है और आपने आसन लगा के आप वहां पे मेडिटेशन के लिए बैठोगे, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आप मैक्सिमम वहां कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम ऊर्जा आपको मिल रही है जो पॉजिटिव ऊर्जा है। सो ये भी एक सही तरीका है। अच्छा जी, कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे बॉम्बे जैसे शहर में हम लोग रह रहे हैं, लोग दिल्ली कलकत्ता वगैरह में काफी कंजेस्टेड होता है, तो कभी कभी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नहीं मिल पाता है, तो उस दिशा में या उस दशा में क्या करें फिर हम? तो उस दिशा में नहीं मिल रहा है तो उसकी सेकेंड स्लैब क्या है, तो वह है नॉर्थ वेस्ट या तो वेस्ट, इस जगह पे भी आप रख सकते हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया मंदिर का महत्व क्या है हमारे इसमें। अब आपको मैं लॉजिकली बात करता हूं, साइंटिफिकली लॉजिकली बात करके बताता हूं कि हम जब मंदिर के अंदर हमें हमारे भगवान किस दिशा में रखने चाहिए, ये हमने आपने सवाल किया था, तो यहां पे लॉजिक कोई नहीं होता है, क्योंकि आपको जब आप नॉर्थ में मंदिर रखते हो, नॉर्थ वेल पे या नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, उसकी वेल पे आप जब मंदिर रखते हो, तो क्या होता है कि आपका फेसिंग जो है वो भगवान की तरफ आ गया। सो भगवान की तरफ आ गया मतलब आपका फेसिंग कहाँ पे आ गया, तो आपका फेसिंग जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आ गया, तो आप पॉजिटिव दिशा में देख रहे हो। भगवान कहाँ पे देख रहे हैं, तो भगवान उसकी बराबर विरुद्ध दिशा में देख रहे हैं। तो ये सही तरीका हमारे घर के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारी गणना होती है कि जैसे मंदिर भी एक भगवान के लिए वास्तु है, तो उसकी वास्तु के अंदर आपको कहाँ क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, वो आपको एक पूरा हम अलग वीडियो बना के हम उसके अंदर समझा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा वीडियो है जिसके अंदर हम समझा सकते हैं प्रॉपरली। और यही चीज अगर आप किसी बाहर मंदिर में जाते हो, तो आप देखोगे कि जो मूर्ति है वो मूर्ति हमेशा ईस्ट को फेसिंग करती है। सो आप जब मंदिर में जाते हो तो आप भगवान को देखते हो, तो आप वेस्ट में फेसिंग करते हो। ये सही तरीका वहां पे होता है एक रूल बनाया हुआ मूर्ति का, क्योंकि वास्तु के अंदर मंदिर का महत्व बाहर बताया गया है और उसका वास्तु का पूरा डिटेलिंग किया गया है वास्तु शास्त्र में, जब हजारों साल पहले बना,
और जो भी मंदिर बाहर बनता है वो इस नियम को रासु के नियम को फॉलो करता है। जैसे हनुमान जी की मूर्ति का नियम है तो हनुमान जी हमेशा साउथ दिशा में फेस करने चाहिए, और उसमें क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जो भी आएगी और जो बंदा वहां पे जो भी पूजा पाठ के लिए जाएगा वो नेगेटिव ऊर्जा को कम से कम तोड़ के हनुमान जी का उसको बेनिफिट मिले। अब आपने कई बार देखा होगा दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर बहुत रेयर दिखने को मिलता है और वो बहुत ही प्रचलित होता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो दक्षिण दिशा में फेस करते हुए अलग से दिखाए गए हैं। तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होता है वो आप लेके वहां जाएंगे तो वो आपके साथ है, वो नेगेटिविटी आपके साथ आई है तो वो नेगेटिविटी उनको देखते हुए तो वहां पर कट जाती है, इसीलिए उस मंदिर का महत्व बहुत बढ़ता है और लोग वहां पर ज्यादा आते हैं। तो ये भी एक वास्तु शास्त्र का बड़ा सा नियम है, उसको फॉलो किया गया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया है रिलेटेड टू मंदिर, और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल आचार्य जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत हो, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।